दिनों के बाद मैं आज एक फैशन की वीडियो लेके आई हूँ और मैंने अपने चैनल पे एक ही या दो फैशन की वीडियो बनाई है। और मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि लॉकडाउन था, वैसे मेरे पास बहुत सारी कुर्तियाँ हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, तो आज मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे पास 8 से 10 दिन पहले एक संगरिया की कुर्ती रिसीव हुई है जिसकी मुझे रिव्यू शेयर करनी है। और ये कुर्ती प्लाजो सेट है, इसी वजह से मेरे पास पहले से संगरिया की कुछ कुर्ती है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको साथ में। तो मेरे पास कुछ अनारकली कुर्ती है और ये प्लाजो सेट मेरे पास आया हुआ है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहली कुर्ती है ये ब्लैक कलर की और इसकी ब्रांड है संगरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे पूरी एम्ब्रॉयडरी है और ये स्लीव में भी है। और इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट चंदेरी है, आप समर में भी पहन सकते हैं इसको। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी लाइनिंग है, एकदम सॉफ्ट कॉटन है। और इसकी फोटो देख सकते हैं आप। और फैशन तो अपने हाथ में है, आप कैसा फैशन बनाने चाहें, कैसा ज्वेलरी पहनना चाहें तो अपने हाथ में है। मैं तो इसको गोल्ड कलर के इयररिंग के साथ पहनी हूँ। और ये अनारकली कुर्ती है ना, तो इसके साथ एक हील चाहिए, हील सैंडल चाहिए। तो मैं देख लीजिए, मैं ब्लैक कलर की सैंडल इसके साथ पेयर करती हूँ। और आप चाहें तो इसके साथ रेड लेगिंग्स पहन सकते हैं, गोल्डन कलर पहन सकते हैं या ग्रीन भी पहन सकते हैं। ट्राउजर इस पे अच्छा नहीं लगेगा, तो लेगिंग्स के साथ ही इसको पहने। और ये मुझे तो काफी पसंद आया ये कुर्ती। और ये कुर्ती मैंने फ्लिपकार्ट से ली है और आपको शायद ये कॉस्टली लगेगी। ये 2100 की कुर्ती मुझे मिली है, उस टाइम सेल चल रही थी तो भी मुझे 2100 की मिली है, तो आप बाय कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो इसका 5 स्टार है। सो गाइस, सेकंड कुर्ती है ये वाली, ये देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका, एकदम सिल्की शाइनी स्मूथ। फोटो में आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा कुर्ती है ये। मेरे पास कितनी अनारकली कुर्तियां है उसमें से नंबर 1 पे ये आता है। और ये मैं गोल्ड कलर के ट्राउजर के साथ पहनूंगी, ये नया ही है, मैंने 2-3 बार ही पहना है, लेकिन लेगी के साथ मैं पहनी हूँ, लेकिन मैं अभी ट्राउजर लेने वाली हूँ इसके साथ। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा गोल्डन और मैरून कलर का बटन दिया हुआ है नीचे से ऊपर तक, लेकिन ओपन नहीं होता है ये, थोड़ा सा यहाँ पे ये फ्रंट स्लीव में यहाँ से थोड़ा सा खुला हुआ है, तो ट्राउजर के साथ पहनने के तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये स्टेन कलर है और यहाँ पे जो स्लीव है ना, ये देख लीजिए, इसकी बहुत सारी चूड़ियां बनती है हमारे हाथ में, बहुत ही अच्छा लगता है ये पहनने के बाद। और ये कुर्ती तो और भी कॉस्टली है, बहुत ही ज्यादा आपको कॉस्टली लगेगा ये। और इसका रेट बहुत ही ऊपर नीचे होता रहता है, मैंने देखा है। और ये मुझे 3000 में मिली थी, इसके अंदर लाइनिंग नहीं है, ये ऐसे ही है सिल्क के कपड़े में। और इसकी मॉडल है अदिति राव हेल्थी, उनके ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है, वो काफी स्लिम है, तो देख सकते हैं ये कुर्ती। और ये मेरे पे काफी लूज आई थी तो मैं बेल्ट के साथ अभी पेयर करती हूँ, एक दो बार मैंने बेल्ट के साथ इसको पहना है। और अभी मैं कहीं मॉल वगैरह जाऊंगी तो ब्रॉड वाला एकदम बेल्ट लूंगी, वैसे हेल्दी लोगों के ऊपर ये पतला बेल्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस ड्रेस को बहुत कम पहन रही हूँ अभी। तो ये थी सेकेंड कुर्ती मेरी। तो ये थर्ड कुर्ती है यहाँ पे, ये पीच कलर नहीं, गाजरी कलर इसको बोलते हैं, ये तो कैमरा में मेरे को पिंक दिख रहा है, ये पिंक दिख रहा है लेकिन ये बहुत अच्छा मतलब कलर है, मैं कैसे बताऊँ आपको, ये कैमरा में मेरे सही नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे ये बोटा वर्क है और ये ना ये कोयल प्रिंट है गोल्डन कलर का, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको मैंने काफी बार वॉश कर दिया है, ये खराब नहीं हुआ है। और ये जो है ना, ये वाला ये धागे का एम्ब्रॉयडरी है, देख सकते हैं। और इसका ऐसे गोल गला है ना, ये ऊपर की ओर है ऐसे, ये पूरा नेक में आ जाता है, आप देख लीजिए। और इसको मैं गोल्डन कलर के दुपट्टे के साथ और गोल्डन लेगी के साथ ही तैयार करूंगी, क्योंकि मैं अलग से इसका कुछ भी नहीं बाय की हूँ, ये लॉकडाउन से कुछ दिन पहले मैंने लिया था और जब लॉकडाउन हो गया तो मैं कुछ नहीं मंगाई, ऐसे ही मैंने जुगाड़ लगा लिया इसके साथ। तो ये कुर्ती ना 1200 की मिली थी और बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है इसका, बहुत ही सॉफ्ट। तो ये फोर्थ कुर्ती है, ये भी ये प्लाजो सेट है,
और ये तो मुझे काफी पसंद आया है, ये आया है तो। और मैं बस उसी दिन पहनी हूँ जिस दिन मैं इसको वीडियो बना रही थी, उसी दिन मैंने इसको पहना है और मैंने वॉश नहीं किया है। और ये क्रीम है और बहुत ही अच्छा क्रीम है, ये नहीं निकलने वाला है। अभी मैंने वॉश नहीं किया है लेकिन मैं एकदम भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि नहीं निकलेगा। और ये मस्टर्ड येलो है, कैमरा मेरे को नहीं दिख रहा है। और इसकी बैक में भी डिजाइन है देख लीजिए। और फ्रंट को इसका गला बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल अलग। पहनने के बाद तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। इसको पहनने के बाद मैं दिखा देती हूँ। और इसकी बाजू बस इतनी है। और यहाँ पे जो बैक में है ना, बैक और फ्रंट दोनों साइड में है, ये पतली पतली यहाँ पे ग्लीव दिया हुआ है जिससे काफी घेर आता है हमारे कमर में और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा है ये कुर्ती, मुझे तो काफी पसंद आई। अच्छा ये प्लाजो है, आप देख सकते हैं, दिखाती हूँ। और मेरा साइज एक्सेल है तो ये थोड़ा सा अनार के लिए मेरे को लूज हो जा रहा था ना, तो मैं उसको थोड़ा सा फिटिंग की हूँ। और ये भी एक्सेल में अच्छा खासा है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये एकदम खुला खुला प्लाजो है इसका, मुझे तो काफी पसंद आया है। और बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है इसका, तो प्लाजो के साथ कोई जूती ही चलेगा। आप देख सकते हैं मेरे पास जूती है तो मैंने उसके साथ तैयार किया है और मैं प्लाजो को जूती के साथ ही पहनती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी मोजरी ले सकते हैं और बहुत ही सिंपल और सुपर लुक आएगा आप पहनेंगे तो। तो यही थी आज की मेरी कुर्ती हॉल। और कौन सी कुर्ती मेरी आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक देके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।